बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान हुसैन। आप देख रहे हैं कुक विद नुमान। कैसी हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आप भी लीमू का जूस निकालने के बाद लीमू के छिलकों को फेंक देते हैं? तो ठहरिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब आप कभी भी लीमू के छिलकों को डस्टबिन में नहीं डालेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको लीमू के छिलकों से दो किस्म की रेमेडी बनाना सिखाऊंगा, जिससे आपको हर महीने अच्छी खासी बचत होगी। आपने बस इस वीडियो को पूरा देखना है। चलो चलते हैं जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर इसकी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेमन के जूस को स्टोर करने के लिए मैंने ये 2 किलो लेमन लिए हैं। देखिए दोस्तों, ये कितनी बेहतरीन है और ये दागे भी नहीं है। इनको मैंने अच्छे से धोकर खुश कर लिया था। दोस्तों, सीजन में तो लीमू काफ़ी सस्ते होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सीजन आउट होता जाता है लीमू काफ़ी महंगे हो जाते हैं। इसलिए जब ये सस्ते हों तो मैं इनको लेके इनका जूस स्टोर कर लेता हूँ। अब लीमू को कटिंग बोर्ड पर रख कर इनको हाफ ऑफ काटते जाएंगे। वैसे दोस्तों, मेरी लेमन स्टोर की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। इसी तरह तमाम लीमुओं को मैं काट के आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, लीमू मैंने सारे के सारे काट लिए हैं। अब इन लीमुओं को इस लीमू निचोड़ने में रख कर इसका जूस निकाल लेंगे। मेरे पास तो ये लकड़ी वाली है, आप चाहें तो इसका जूस आप हाथ से भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह मैं सारे लीमू का जूस निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, लीमू का सारा जूस मैंने निकाल लिया है। इस जूस को महफूज कैसे करना है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप इसको लाजमी देखिएगा। अब चलते हैं मेन रेमेडी की तरफ। ये लीमू के छिलके, जिनका जूस निकालने के बाद हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन अब हम इसको डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। इससे अब हम डिश वॉशर और फ्लोर क्लीनर बनाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाकर इसमें मुनासिब मकदार में पानी डाल देंगे। पानी इसमें हम बस इतना डालेंगे कि लीमू के छिलके इसमें बआसानी डिप हो जाएं। फ्लेम को हम मीडियम टू लो ऑन कर लेंगे, और जैसे ही पानी थोड़ा गर्म होने लगे अब इसमें लीमू के छिलके डाल देंगे और इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। ले जी, पानी में बॉयल आ चुका है। अब कढ़ाई का ढक्कन लगा देते हैं। अब दोस्तों, हम इसे 5 मिनट के लिए उबलने देंगे, ताकि लेमन के छिलके अच्छे से नरम हो जाए और लीमू का जितना भी एसिड हो वो पानी के अंदर आ जाए। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ले जी, 5 मिनट हो गए हैं। अब जल्दी से कढ़ाई का ढक्कन उठा लेते हैं। देखिए दोस्तों, लीमू के छिलके बड़े बेहतरीन गल चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लीमू के छिलकों को मैंने पानी समेत ग्राइंडिंग जग में डाल दिया है। अब इसमें 10 ग्राम सर्फ डाल देंगे। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब जग का ढकना हम बंद कर देंगे और ग्राइंडिंग मशीन को ऑन कर देंगे, ताकि छिलके अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। मशीन को हम 2 मिनट चलने देंगे। ले जी, 2 मिनट हो गए हैं। अब ये जग का ढकना उठा लेते हैं। देखें कितना बेहतरीन ग्राइंड हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बाउल के ऊपर हमने छाननी लगा दी है। अब इसमें लीमू के छिलकों वाला मिक्सर डाल देंगे। अब स्पैचुला की मदद से इस मिक्सर को हिलाएंगे, ताकि लिक्विड इसमें से छान के अलग हो जाए। इसको हम अच्छी से हिलाते जाएंगे, ताकि जो मिक्सर सही ग्राइंड नहीं हुआ वो छाननी में बच जाए। देखें दोस्तों, ये छाननी में जो मिक्सर बच गया है, इसको अभी हमने ज़ाया नहीं करना। इसका भी अभी बहुत अहम काम पड़ा हुआ है। इस मिक्सर को हम वापस जग में डाल देंगे, और अब जग में हम थोड़ा सा पानी भी साथ डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। नहीं जी, इस मिक्सर को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसको फिर से छाननी में डाल देंगे, और फिर से स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से हिलाएंगे, ताकि लिक्विड छन के अच्छे से बाउल में चला जाए। अब देखिए दोस्तों, सारा मिक्सचर अच्छे से छन के बाउल में जा चुका है। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप सफ़ेद सिरका। दोस्तों, अब हमें इसमें तमाम चीज़ें ऐसी डालनी हैं जो मैल कुचैल को काट देती हों, जिसके लिए सफ़ेद सिरका सबसे बेस्ट है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मीठा सोडा। अब इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करते हुए आपने परेशान नहीं होना कि इस पर झाग बढ़ गई है। मीठा सोडा डालने से इसकी झाग बढ़ जाया करती है। देखिए दोस्तों, हमारा डिश वॉशर बेहतरीन तैयार हो गया है। अब हमने फ्लोर क्लीनर बनाना है, जिसके लिए हमने ये दूसरा बाउल लिया है। इस डिश वॉशर में से हम हाफ लिक्विड निकाल कर दूसरे बाउल में डाल देंगे।
और इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद शामिल करेंगे जिससे हमारा ये फ्लोर क्लीनर तैयार हो जाएगा। अब कप की मदद से डिश वाशर में से इस लिक्विड को दूसरे बाउल में डाल देंगे। अब ये आपकी मर्जी है, आपने दोनों की क्वांटिटी को हाफ हाफ रखना है या किसी एक को कम या किसी एक को ज़्यादा, ये अब आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। डिश वाशर का मैंने लिक्विड अलग कर लिया है, अब इसको ऐसी किसी भी बोतल में हम भर लेंगे। इस बोतल में भरने के लिए हम इस पर कीप लगा लेंगे और इसको लिक्विड से भर लेंगे। लें जी, बोतल पूरी तरह भर चुकी है। अब इस पर ये स्प्रे करने वाला जो बाजार से बासानी मिल जाता है इसको बोतल पे लगा देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा डिश वाशर बेहतरीन तैयार हो गया है। इसका कलर देखिए कितना बेहतरीन है, और ये क्वालिटी में भी बहुत बड़े बड़े डिश वाशरों को पीछे छोड़ देगा। इसका मैं आपको बाद में रिजल्ट भी चेक करवाता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों अब हम फ्लोर क्लीनर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने ये 6 अदद फरनैल की गोलियाँ ली हैं जो आपको किसी भी अच्छे स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। इसको पीसने के लिए हम वापस शॉपर में डाल देंगे और इन गोलियों को हम अच्छे से पीस लेंगे ताकि ये लिक्विड में अच्छे से हल हो जाएं। दोस्तों ये अच्छे से पीस चुकी हैं, अब इसको लिक्विड में शामिल कर देते हैं और साथ ही इसको किसी भी चीज़ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। नहीं जी दोस्तों, ये फ्लोर क्लीनर तैयार है। अब इस तरह की कोई भी खाली बोतल लें, इस पर कीप लगा लें और एहतियात के साथ इस लिक्विड को इस बोतल में डालते जाएंगे। नहीं जी, बोतल भर चुकी है और बोतल का ढकना टाइट कर लेते हैं। देखें दोस्तों, ये हमारा फ्लोर क्लीनर तैयार है। अब इन दोनों का मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ कि ये कितने बेहतरीन और शानदार बने हैं। अब सबसे पहले मैं आपको डिश वाशर चेक करवाता हूँ और देखिए दोस्तों, मेरा सिंक कितना गंदा हो चुका है, तो ये कितना रफ हो गया है, और साथ में ये चाय वाली पतीली देखें, ये नीचे से कितनी काली हो गई है और अंदर से देखें कितनी ख़राब हो गई है। इसको हम अब इसी डिश वाशर से धोएंगे और देखिएगा इंशाल्लाह ये इसको कितना नीट एंड क्लीन कर देगा जैसे बिल्कुल नई हो। अब डिश वाशर का स्प्रे पतीली की बैक साइड पर कर देंगे और साथ ही पतीली के अंदर भी इसका स्प्रे कर देंगे। अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब डिश वाशर को सिंक के अंदर भी अच्छी तरह चारों साइडों पे स्प्रे कर लेंगे। आपने कोशिश ऐसे करनी है कि सिंक के चारों साइडों पे अच्छे से ये स्प्रे लग जाए ताकि सिंक अच्छे से साफ हो जाए। ले जी, स्प्रे बेहतरीन हो गया है। अब स्कॉच ब्राइट से पतीली को अच्छे से साफ करते हैं। देखें कितनी बेहतरीन साफ हो रही है। ऊपर वाली साइड से स्कॉच ब्राइट हमने अच्छे से मार ली है। अब पतीली के अंदर से भी अच्छे से इसकी सफाई कर लेंगे। अभी आप देखिएगा ये ऐसी हो जाएगी जैसे बिल्कुल नई हो। अब सिंक पर भी थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, इसको भी अच्छी तरह से साफ करेंगे और इस पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी क्योंकि इस पर मैल कुचैल बहुत पुरानी है ताकि वो अच्छे से निकल जाए, और साइडों से भी इसको हम अच्छे से साफ करेंगे। अब हम पतीली को पानी से धो लेते हैं। पतीली के अंदर से और बाहर से अच्छे से पानी बहा देंगे ताकि ये अच्छे से धुल जाए। देखें दोस्तों, पतीली कितनी बेहतरीन धुल गई है। देखें ये ऐसी लग रही है जैसे बिल्कुल नई हो, हालांकि ये कितनी काली हो चुकी थी। अब आपके सारे बर्तन इतनी सस्ते में धुल सकेंगे। अब सिंक में भी अच्छे से पानी बहा लेते हैं, इसके चारों साइडों पर अच्छे से पानी डालेंगे ताकि सिंक अच्छे से साफ हो जाए। देखें माशाल्लाह, सिंक कितना बेहतरीन साफ हो गया है। इसका कलर देखें जैसे बिल्कुल नया हो। इसमें जमी हुई सारी मैल कुचैल अच्छे से रिमूव हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं आपको फ्लोर क्लीनर का रिजल्ट चेक करवाता हूँ। यह आप फर्श देखें कितना गंदा हुआ हुआ है, और दाग धब्बे भी देखें कितने पड़े हुए हैं। बाल्टी में मैंने मुनासिब मकदार में पानी डाल दिया था। अब इसमें यह फ्लोर क्लीनर जो हमने अभी बनाया था, इस पानी में इसके दो ढकने डाल देंगे और इस क्लीनर को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टाकी को इस पानी में हम भिगो देंगे। अब चलते हैं, मैं आपको फ़र्श साफ करके दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह, फ़र्श कितना बेहतरीन साफ हो रहा है। वो सारे दाग धब्बे गायब हो रहे हैं और फ़र्श की शाइनिंग देखें कितनी बेहतरीन हो गई है। देखिए माशाल्लाह, इसका रिजल्ट कितना शानदार है। इस फ्लोर क्लीनर से साफ करने के आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो फर्श पर कोई दाग धब्बा बाकी नहीं रहेगा, और दूसरा आप मक्खियों से भी महफूज रहेंगे।
फर्श को इससे साफ करने के बाद मक्खी और मच्छर आपके घर में नहीं घुसेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।